नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 22 का अग्निपथ में आज बात होगी उस सियासी समीकरण की जिसके सहारे सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज हम कुछ वक्त के लिए आपको इतिहास में ले चलेंगे क्योंकि यूपी में इस वक्त चुनावी यात्राओं का दौर जारी है। आज हम ये समझेंगे कि इतिहास में वो कौन सी रथ यात्रा है जिसने भारतीय राजनीति को ही बदल दिया था। इस सियासी यात्रा को समझने के साथ ही हम शिवपाल के बयान का ब्यौरा भी आपको देंगे क्योंकि राहें अलग अलग होने के बाद साथ साथ शिवपाल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का राग भी अलाप रहे हैं। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण शिवपाल दूर होकर भी अखिलेश से दूर हो नहीं पा रहे। अब चुनाव से पहले ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी अब पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। आखिर वरुण गांधी पार्टी से नाराज क्यों चल रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम। तो दो दिन की विजय रथ यात्रा के बाद अखिलेश यादव आगे की रणनीति को बनाने में लग गए हैं और इस यात्रा के सहारे अखिलेश कानपुर और बुंदेलखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोशिश में हैं क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी क्षेत्र में बीजेपी ने सभी पार्टियों को पटखनी दी थी। लेकिन क्या अखिलेश इस विजय यात्रा के सहारे विजय पताका को लहरा पाएंगे? यूपी की सियासत में रथ की सवारी, 22 में कौन किस पर पड़ेगा भारी, रथ यात्रा से सत्ता में आने की आस, अखिलेश फिर से दोहराएंगे इतिहास। उत्तर प्रदेश समेत देश के कुल 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में जीतने के लिए जरूरी है कि खर्चा और पर्चा की बात तो चुनावी महीनों में होती है लेकिन चर्चा में बने रहने के लिए राजनेता अक्सर कोई न कोई तरकीब निकालते रहते हैं। वैसे तो तरकीब कई तरीके के होते हैं लेकिन इस वक्त यूपी में रथ यात्राओं का दौर जारी है और इसी रथ यात्राओं के सहारे अखिलेश यादव की कोशिश है कि रथ यात्रा को एक विजय यात्रा में तब्दील किया जाए। वैसे देश की राजधानी में इस तरह की राजनीतिक रथ यात्राओं का अहम योगदान रहा है। कुछ तो रथ यात्राएं ऐसी हैं जिन्हें राज्यों की सरकार बदल देती है। राजनीतिक इतिहास को दोहराने के लिए अखिलेश फिर से विजय रथ पर सवार हुए हैं। पहले चरण में दोनों की विजय यात्रा के दौरान अखिलेश ने कानपुर और बुंदेलखंड पर अपना फोकस रखा क्योंकि 2017 में पूरा क्षेत्र बीजेपी के पास चला गया था। एक तरह से ये कहें अखिलेश को इल्म है कि अगर 2022 में कानपुर और बुंदेलखंड को बीजेपी से वापस नहीं लिया गया समाजवादी पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अखिलेश यादव जहां रथ यात्रा से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं वहीं प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में इसी के माध्यम से समाजवादी पार्टी रहेगी। समाजवादी विजय रथ का मकसद यही है कि किसानों को सम्मान मिले, किसानों के साथ जो वादे किए गए थे वो वादों को याद दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल किसानों को धोखा दिया बल्कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार के सपने दिखाए वो पूरे नहीं हुए और लगातार इनके गलत फैसलों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज कानपुर में और आसपास में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया है, धीमे धीमे डीजल भी पार हो जाएगा कई जगह पर। जिस योजना का सबसे ज़्यादा प्रचार किया उज्ज्वला योजना, आज वो उज्ज्वला योजना गरीब अपना सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। इन दो दिनों की यात्रा से अखिलेश को क्या मिला, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर भारतीय राजनीति के इतिहास में वो कौन कौन सी यात्रा है जिसने इस राजनीति की परिभाषा को ही बदल कर रख दी है। राजनीति में यात्राओं का इतिहास। 1988 में देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने बोस घोटाले को लेकर राजीव गांधी सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी रथ यात्रा निकाला था।
राम मंदिर को लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाला था। स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का फायदा बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव में हुआ था और 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। आडवाणी ने इस रथ यात्रा के 7 साल के बाद 1997 में फिर से एक रथ यात्रा निकाली। इसका भी नाम स्वर्ण जयंती रथ यात्रा रखा गया था। साल 2000 में अपने पिता मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश यादव ने 2002 के विधानसभा चुनाव के पहले क्रांति रथ यात्रा निकाली थी। 31 जुलाई 2001 को फिर शुरू हुई इस यात्रा ने समाजवादी पार्टी को यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर रख दिया था। 2012 और 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाल चुके हैं। इन राजनीतिक यात्राओं को देखें तो इसमें और भी कई यात्राएं हैं जो अलग अलग राज्यों में निकाले गए हैं, लेकिन यूपी में सियासी यात्राओं का काफी महत्व रहा है और अखिलेश ऐसी यात्राओं को निकालने में हमेशा से अगुआ रहे हैं और अखिलेश 2022 से पहले भी इस तरह की यात्राओं के सहारे फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना प्रथा बुंदेलखंड में खत्म होनी थी, उसके लिए अरबों रुपया दिया गया, लेकिन अन्ना प्रथा अभी भी नहीं खत्म हुई है। सड़कों के गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए। गंगा मैया की कसम खा करके गंगा मैया को साफ करने का वादा किया था, आज सब नदियां भारतीय जनता पार्टी ने गंदी कर दी। चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे पांडू हो या कोई नदी हो, सबको प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया और नदियों को ख़त्म कर दिया। इसलिए ऐसी सरकार जिसने जनता को धोखा दिया हो, हर वर्ग के लोग जिससे दुखी हों, उस सरकार को हटाने के लिए समाजवादी विजय रथ लगातार इसी तरह चलेगा। 2 दिनों की विजय रथ यात्रा के बाद अखिलेश फिर से आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है वो किसी भी बड़े दलों से हाथ नहीं मिलाएंगे। अखिलेश के इस एकला चलो रे के राग ने यूपी में नए सियासी समीकरण को जन्म दे दिया है, लेकिन अखिलेश इसी रणनीति के जरिए फिर सपा का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता है किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है जो जेल में जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने जिसने किसानों को कुचला हो, कानून कुचलने की तैयारी हो, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो किसानों के लिए सहानुभूति रखेंगे? और उन किसानों को जिनके वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और आय तो दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। अगर हम राजनीतिक यात्राओं के इतिहास को देखें तो इन यात्राओं के बाद सियासी दलों को जरूर काफी फायदा मिला है, लेकिन 2017 में भी अखिलेश यादव इसी रथ पर सवार हुए थे, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। क्या अखिलेश इस रथ यात्रा से विजय यात्रा तक पहुंच पाएंगे या विजय पताका लहरा पाएंगे? ये तो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जहां भतीजा कानपुर और बुंदेलखंड में किला मजबूत कर रहा है, तो फिर वहीं चाचा भी इस रथ पर सवार होकर चुनाव फतह करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इस बीच उनका एक बयान जिसने सभी का ध्यान खींचा है। वैसे तो शिवपाल और अखिलेश की राहें बहुत पहले जुदा हो चुकी थीं, दोनों अलग अलग पार्टियों के नाम पर चुनावी मैदान में भी आ चुके हैं, लेकिन शिवपाल अभी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की उम्मीद कर रहे हैं। तो आखिर क्या है शिवपाल की रणनीति जो अखिलेश से जुदा होने के बाद भी उनसे दूर वो नहीं जा पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति दिनों ब दिन बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। सियासी गणित को हर तरफ से प्रयोग में लाया जा रहा है। गुड़ा भाग का भी खेल इस सियासी रण क्षेत्र में जारी है। कोई फिर से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में है, कोई साख को वापस लाने की कोशिश में है, और इसे साख को वापस लाने के लिए समाजवादी कुनबे से अलग अलग होकर शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकल चुके हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और क्या चाचा शिवपाल एक होंगे? यूपी की राजनीति में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई समाजवादी जानना चाहता है, क्योंकि दोनों के अलग होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। समाजवादियों को डर है कि कहीं यादव वोट बैंक खिसक कर शिवपाल के पास न चले जाए, क्योंकि शिवपाल यादव जमीनी नेता माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जनता के नज़र को पकड़ने में हमेशा सफल रहे हैं, इसलिए समाजवादियों को डर है कि कहीं यादव उनके वोट बैंक में सेंधा लगा ले। अगर शिवपाल ये करने में सफल होते हैं तो अखिलेश यादव ने जो ख्वाब 2022 को लेकर देखे हैं उसे बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। लेकिन शिवपाल को इस बात का अंदेशा है कि बिना गठबंधन के वो इस सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे, इसलिए वो बातों ही बातों में सपा के साथ गठबंधन को लेकर बयान देते रहते हैं। हैं अगर बहुत सक्रिय रहते हैं यहाँ सपा में रह के कैसे कहें तो ये मान के चला जाए 11 अक्टूबर गुजर जाने के बाद भी अभी इंतजार की घड़ियाँ समाप्त नहीं हुई हैं? हाँ अभी नहीं समाप्त, रास्ते अभी संभावनाएं अभी कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। मैंने तो यही सीखा नेताजी कोई कार्यकर्ता रूट जाता था टेलीफोन कर लेते थे, घर चले जाते थे, मना लेते थे, यहाँ तक कि विरोधियों को यहाँ चले जाते थे। तो चरखा साहब जब नेताजी चलाते थे तो हमने भी कुछ सीखा है। आखिरी तक ये गांव चलेगा 22 के चुनाव में चलेगा। तो तभी तो हमने भगवान कृष्ण से वहाँ पर पूजा करके कुछ न कुछ मांगा है, और वहाँ जाके भगवान राम से भी मांग लेंगे। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है, यहाँ किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। इन संभावनाओं के साथ अखिलेश और शिवपाल यादव दोनों अलग अलग यात्राओं के सहारे चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। दोनों की कोशिश है कि जनाधार तैयार करने की और 2022 में शिवपाल के ऊपर खुद को साबित करने की भी चुनौती होगी, के साथ ही साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को उस स्थान तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि अगर चुनाव से पहले नहीं तो चुनाव के बाद किसी पार्टी से गठबंधन कर सत्ता तक पहुंचा जा सके। 2022 के चुनाव को लेकर बिगुल फूक चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में हैं। जहां एक तरफ एक देखने वाली बात, रोचक बात देखने को मिल रही है कि सारे राजनीतिक दल अपने रथों के माध्यम से इस 2022 के चुनाव में पूरी तरह से ताकत झोंके हुए हैं। इटावा के सैफई में भी ये खड़ा हुआ जो रथ आप देख रहे हैं, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सामाजिक परिवर्तन रथ है, जिस रथ में से शिवपाल सिंह यादव, अंकुर यादव के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाकायदा पूरे प्रदेश में हर गांव गली चौराहे तक अपना मैसेज, पार्टी का मैसेज पहुंचाने को लेकर ये रथ निकल पड़ा है। इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर को मथुरा से के वृंदावन मंदिर से शिवपाल यादव ने की और ये रथ पहुंचा है आज इटावा। हम आपको इसके अंदर दिखाते हैं कि किस तरह का, जो चूंकि ये रथ का जो तेजी से हर राजनीतिक दल अपने रथों के माध्यम से अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मैं उस रथ के अंदर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये जो सामने जो सीट है, ये सीट पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव बैठते हैं और यहां से इस मिरर के माध्यम से बाकायदा अपने जनता का अभिवादन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्क्रीन भी लगी हुई है, बाकायदा सीसी स्क्रीन है, जिसमें गाड़ी पे चलते समय अगल बगल साइड सभी लोगों को, अपने लोगों को देखते हुए बाकायदा अपने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल निकलते हैं। और शिवपाल सिंह यादव जहां एक ओर गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई, किसान और दूसरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो सरकार पर 2017 में किए गए वादों को पूरा न करने का भी आरोप लगा रहे हैं। गैस चूल्हा पर भी बढ़े हैं, अच्छा गरीबों को दे दिए थे नामात्र के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, अब कहाँ देखिए चूल्हा दे दिया, फिर अब उसकी कीमत बढ़ गई 1000 रुपये। 1000 रुपये में शायद भरा जाता है, कहीं ब्लैक में तो और ज़्यादा लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए महंगाई है और भ्रष्टाचार, कहीं फाइल किसी काम के लिए जाओ तो जब तक भेंट पूजा नहीं करोगे तब तक।
वैसे तो शिवपाल कई बार अखिलेश को चेतावनी दे भी चुके हैं, लेकिन बार बार शिवपाल यादव ये भी याद दिलाते रहते हैं अगर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को फायदा होगा और वो फिर से दोबारा सत्ता तक पहुंच सकते हैं। अखिलेश यादव और सपा प्रमुख शिवपाल यादव ने मंगलवार को अलग अलग रथ यात्राएं शुरू कर दी हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने कानपुर को चुना तो शिवपाल यादव ने मथुरा के बांके बिहारी के दर्शन कर रथ यात्रा की शुरुआत की। दोनों ने अलग अलग राह चुनी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या शिवपाल राहें अलग कर सपा को सत्ता तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर सकेंगी या फिर राहें जुदा कर समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के फिराक में है, क्योंकि यूपी में शिवपाल वो चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी को अकेले 50 सीटों पर कड़ी टक्कर देते हुए चुनौती पेश कर सकते हैं। संवाददाता अमित मिश्रा के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो वैसे तो वरुण गांधी बहुत कम चर्चा में रहते हैं, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद वो अक्सर चर्चा में बने हुए हैं। वो लगातार किसानों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए इशारों ही इशारों में सरकार से वो सवाल भी करते हैं। तो आखिर वरुण गांधी की ये बागी तेवर क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी अब आर पार के मूड में आ गए हैं। वे लगातार किसानों का समर्थन कर चेतावनी दे रहे हैं। लखीमपुर की घटना के बाद वरुण गांधी और भी ज्यादा मुखर हो गए हैं। ट्विटर पर वरुण गांधी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का किसानों से जुड़ा 41 साल पुराना 1980 का एक वीडियो शेयर किया है। इसके बाद उन्होंने लिखा, बड़े दिल वाले नेता के समझदार शब्द, सियासी गलियारे में से भाजपा सरकार को वरुण का अल्टीमेटम बताया जा रहा है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, समन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए, किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। वरुण गांधी का भाजपा से मोह भंग हो रहा है। उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट इसकी तरफ साफ इशारा कर रही हैं। बीते 40 दिन में उन्होंने 8 पोस्ट किसान आंदोलन के समर्थन में लेकर किए हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर भी उन्होंने किसान के समर्थन में लगातार पोस्ट किए हैं। इसके बाद उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया था। एक के बाद एक नए ट्वीट करके वरुण गांधी बीजेपी सरकार की परेशानियों को लगातार बढ़ा रहे हैं। वहीं आज एक वरुण गांधी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी किसानों के लिए भाषण देते हुए कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को कुचला ना जाए, किसानों को शांतिप्रिय आंदोलन किया करने देना चाहिए। इसी तरीके से वरुण गांधी लगातार ट्वीट करके भाजपा नेताओं पर या तो दबाव बना रहे हैं और या फिर अपने लिए नई सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। लगातार वरुण गांधी की बागी तेवर ये दिखा रहे हैं कि अब वरुण गांधी लखीमपुर और किसानों की मामले को लेकर शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि एक तरफ पार्टी में सम्मान नहीं मिलने पर वरुण गांधी पार्टी से नाराज हैं, तो वही आलाकमान भी वरुण गांधी से नाराज चल रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए विभव शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ 22 का अग्निपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।